संथाल परगना में आदिवासियों की घटती हुई संख्या को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और विपक्ष के नेता अमर बावरी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए आदिवासियों का अस्तित्व समाप्त करना चाहती है। बाबूलाल मरांडी ने जामताड़ा में तो अमर बावरी ने रांची में ये आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार के हलफनामे को सही करार दिया है। झारखंड की स्थिति क्या है? आज संथाल परगना झारखंड संपूर्ण झारखंड में लगातार इस 60 वर्षों में आदिवासियों की आबादी घट रही है और संथाल परगना में भी घट रही है और आबादी जिस प्रकार से घट रहा है तो उसका प्रभाव सीधा सीधा आदिवासियों पर पाना पड़ेगा। ऐसे तो डेमोग्राफी बदलती है तो सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन पहला जो प्रभावित कौन होने वाला है वो हमारे आदिवासी और भाई बहने प्रभावित होने वाले, क्योंकि आदिवासियों को लोकसभा में, आदिवासियों को विधानसभा में, आदिवासियों को सरकारी नौकरी में आबादी के प्रपोर्शनेट रिजर्वेशन मिला हुआ है। अगर आबादी ये घट रही है तो उसी प्रपोर्शनेट उसका विधान लोकसभा की सीटें भी घट जाएगी, विधानसभा की सीटें भी घटेगी और सरकारी सेवाओं में भी जो 9-26% है वो भी घट जाएगा। तो आखिर ये हुआ कैसे इसका? तो इसका एक डेमोग्राफी का एक नजर थोड़ी सी आप सब लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड प्रदेश में जहाँ 1951 में 35.38% आदिवासी थे, आज 2011 में जब सेंसस हुआ तो 36% मात्र बचे। यानी कितनी आबादी कम हो गया, 35 से लेकर के 36 में आकर के अटक गए। वहीं पर दलित की आबादी 8.41% थे, वो 12% चला गया, 12.8 चला गया और ईसाई की आबादी 4.12 था, वो 4.23% है। तो मुस्लिम की आबादी 8.9% थे, वो 14.53%। सनातनी हिंदू के उस समय 87.79% था, वो भी घट करके 81.17% हो गया। उस प्रकार से आदिवासियों की आबादी में पूरे झारखंड में 9.8% की गिरावट हुआ है और मुस्लिम आबादी में 6.44% की वृद्धि हुई है, हिंदू आबादी में भी 6.62% की गिरावट आई है और संथाल परगना में 1951 में जहां आदिवासियों की आबादी 44.67% था वहीं मुस्लिम आबादी 9.44% था 1951 में, लेकिन 2011 में संथाल परगना में 28.11% आदिवासी रहे। यानी वो भी वहाँ भी घट गए, यहाँ तो अभी हताशा घटी है और मुसलमानों की आबादी 22.73% हो गया और अन्य लोगों की जो आबादी 46% थे वो मुश्किल से 49% बढ़ा, यानी 3% बढ़ा। अब इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ, नहीं ये कह रहा हूँ कि भाई ये इसके लिए सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि भाई आप एसआईटी गठित करिए, जांच कराइए, आखिर ये आदिवासियों की आबादी लगातार कैसे कम हो रही है। अब देखते हैं जंगल में भीड़ भी अगर कम होता है तो दुनिया भर। आप सबका स्वागत है। पहले एक दुखद खबर जो अभी आप लोग से ही पता चली, सीताराम येचुरी जी बड़े वरीय नेता भारत देश के, उनका आज निधन हो गया है। आप ही लोग से पता चला, इस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर, ऐसी कामना करता हूँ। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको मालूम है राज्य के अंदर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसकी लगातार हियरिंग हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस विषय को उठाता है कि भाई झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, झारखंड के डेमोग्राफी चेंज होने के कारण जहां देश की संप्रभुता पर भी खतरा मंडरा रही है, वहीं झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की अस्मिता भी खतरे में है। विशेषकर संथाल परगना में जो बंगाल से सटे हुए जिले हैं, चाहे पाकुड़ है चाहे साहिबगंज है, उन जिलों के माध्यम से, उन जिलों के रास्ते भयंकर
घुसपैठ हो रहा है और इससे हमारे माटी बेटी रोटी की अस्मिता की प्रश्न खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रबल दावे को सत्तारूढ़ दल जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी लगातार खारिज करती रही है। वो इसे सिर्फ एक राजनीतिक बयान बताती रही है, लेकिन मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।